हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 50 ऐसे सेंटेंसेस जो कि डेली बोले जाते हैं एंड बहुत यूजफुल होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अब आ रहा हूँ, आई एम कमिंग नाउ, आई एम कमिंग नाउ। क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, आर यू ओके। हमें चलना चाहिए, वी शुड लीव, वी शुड लीव। यहाँ बहुत शोर है, इट्स वेरी नॉइजी हेयर, इट्स वेरी नॉइजी हेयर। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड हेयर, आई एम फीलिंग गुड हेयर। वह बहुत अच्छा दिख रहा है, ही इज लुकिंग वेरी नाइस, ही इज लुकिंग वेरी नाइस। या फिर आप यहाँ पे स्मार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर कोई पुरुष है तो। क्या आपको भूख लगी है, आर यू हंग्री, आर यू हंग्री। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, डू नोट को आप डोंट नो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आई डोंट नो। तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, वेयर वर यू। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे, विल यू फॉरगिव मी, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, ठीक है, विल यू फॉरगिव मी। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम, आई हैव टू गो होम। आज बहुत ठंड है, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट इज़ को आप इट्स भी पढ़ सकते हैं, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। मैं तुम्हें बता दूंगा, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। तुम्हारे पास समय है, देखिए क्वेश्चन मार्क है, बेसिकली क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या नहीं लिखा लेकिन फिर भी हमें समझ जाना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, इसलिए डू यू हैव टाइम, डू यू हैव टाइम। वह बच्चों के साथ खेल रहा है, ही इज प्लेइंग विद चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रन ए अगर होता ना तो सिंगल होता और ई एन है चिल्ड्रन, इट्स मीन की प्लूरल, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग हेयर, व्हाट्स हैपनिंग हेयर। मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर। क्या तुम ठीक हो गए, आर यू फीलिंग बेटर नाउ, आर यू फीलिंग बेटर नाउ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विद यू, आई एम विद यू। यहाँ कुछ गलती हो रही है, समथिंग इज रॉन्ग हेयर, समथिंग इज रॉन्ग हेयर। तुम्हें धीरे बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक स्लोली, यू शुड स्पीक स्लोली। क्या तुम्हें यह अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हें यह अच्छा लग रहा है। आर यू इंजॉइंग दिस। मुझे चलना होगा, आई हैव टू लीव। यह बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो, आर यू बिट्रेइंग मी, आर यू बिट्रेइंग मी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई वॉन्ट लीव यू, विल नॉट को आप वॉन्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आई वॉन्ट लीव यू। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, You love me, don't you? You love me, don't you? मुझे बहुत खुशी है, I am very happy, I am very happy। यह खुशी का पल है, It's a moment of joy, It's moment of joy। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, I agree with you, I agree with you। आप वहाँ क्यों जा रहे हो, Why are you going there? Why are you going there?
यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी, ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? सब कुछ कहाँ है? सब कुछ कहाँ है? वेयर इज एवरीथिंग? वेयर इज एवरीथिंग? मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आई वॉन्ट फॉरगेट यू। आई वॉन्ट फॉरगेट यू। यह बहुत महंगा है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तुम्हें वहाँ बैठना चाहिए। यू शुड सिट देयर। यू शुड सिट देयर। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई लव यू। वह यहाँ क्यों आया? Why did he come here? क्या आपको कोई बात याद है? Do you remember anything? यह किताब बहुत मज़ेदार है। This book is very interesting. क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? Can you forgive me? यह बहुत खुशी का पल है। इट्स अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। थोड़ी मिस प्रिंटिंग के कारण ना ऐसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। यह बहुत खुशी का पल है। इट्स अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। तुम अच्छे हो। यू आर गुड। मुझे तुम्हारा विश्वास है, या फिर मुझे तुम पर विश्वास है, दोनों एक ही बात होती है। आई ट्रस्ट यू। तुम्हारी ताबीज कहाँ है? वेयर इज योर एम्यूलेट? ताबीज को एम्यूलेट कहते हैं, ठीक है। मैं यह कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से दिस। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे। मुझे थोड़ी देर इंतजार करनी पड़ेगी। I'll have to wait for a while. थोड़ी देर के लिए इंग्लिश होती है for a while, ठीक है। I'll have to wait for a while. क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? Have you fallen in love with him या her? ठीक है, पुरुष है तो him, महिला है तो her. तुम्हें अच्छा लगेगा। You will like it. Thank you friends for being here.